नमस्कार कमेंट सेक्शन के उसको आगे बढ़ाते हुए प्रीति चौहान, हेलो सर, मैंने एमनियोसेंटेसिस कराया था कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में, अभी 15 दिन बाद लेवल 2 कराया, उसमें एमनियो डिटैच है पूरी तरह से। सर प्लीज़ टेल मी क्या बच्चा और बड़ा होने पर सर्वाइव कर, दिस इज़ यू शुड आस्क द फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट। एमनियोसेंटेसिस में यदि आपका एमनियोटिक मेम्ब्रेन डिटैच हो रहा है, टेक केयर, आप अपने गायनिक से या फिर फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट से ज़रूर मिलते रहिए, जैसा वो बोलें वैसा फॉलो करिए। सना परवीन, AMH 4.12, FSH 22, प्रोलैक्टिन 15, सोनोग्राफी में यूट्रस छोटा आया है ओवरी में। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर सना परवीन, आप पूरा पेपर भेजिए, आप टेली कंसल्टेशन ले सकते हो, फिर मैं आपको बता सकता हूँ। ब्रजेश पटेल, डियर सर, IVF का चार्जेस क्या लगता है? प्लीज़ कॉल मिस्टर देवेंद्र। द बेसिक चार्ज फॉर यूरिनरी FSH यूरिनरी गोनोट्रोपिन इज 1,05,000 रुपये, बट उसमें दूसरे क्या लगते हैं वो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। डॉक्टर इन पाकिस्तान, वेरी गुड रिप्लाई सर, यू आर ऑलवेज ऑसम, थैंक यू वेरी मच, हूएवर यू आर माई फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। स्वप्ना मोहंती, सर प्लीज़ आपसे बात करनी है, मुझे प्लीज़ फ़ोन नंबर दीजिए, आप टेलीमेडिसिन का वो देख लीजिए, उसमें नंबर है देवेन जी का, आप उनसे बात करेंगे तो आप टेली कंसल्टेशन से मेरे से बात कर सकते हैं। SK केवल, हमारा नाम सुमन बेगम, कोलकाता से बोल रही हूँ, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दीजिए, आप देवेन जी से बात कर लीजिए, आपको जो भी बात करना होगा, आप यदि मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। रमाशंकर, आइडियल फर्टिलिटी सेंटर वाराणसी में है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, हमने अभी एक वीडियो बनाया था कि हम अपने सेंटर बाहर क्यों नहीं खोल पाते, तो वाराणसी में इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि आप आइडियल फर्टिलिटी का ब्रांड से काम नहीं होता, आइडियल फर्टिलिटी में कौन काम कर रहा है वो उससे काम होता है। आइडियल फर्टिलिटी का मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ रिंकू, मेरी बेटी ईशानी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, यदि हम एक जगह काम करते हैं तो हम दो जगह काम नहीं कर पाएंगे। इट इज़ नॉट ओपनिंग द ब्रांड, इट इज़ मैटर ऑफ वर्किंग। मुकेश कुमार, आपकी दिल्ली में ब्रांच नहीं है सर। अंशु गुप्ता, नमस्ते सर, मेरी एज 36 है, मेरा AMH 0.33, बायोलेटरल लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन सिस्टेक्टमी। अंशु जी, आपको यदि ये पूरा डिटेल यदि बात करना है तो आप टेली कंसल्टेशन में आ सकते हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट मुझे देखनी पड़ेगी, देख के फिर मैं आपसे बात कर पाऊँगा। सोनब सनोडिया, सर मेरा टारगेट स्कैन और क्वाड्रिपल टेस्ट नॉर्मल आया है, वेरी गुड, बट आपको मैं बता दूँ, खाली टारगेट स्कैन और क्वाड्रिपल टेस्ट नॉर्मल से आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, पर इट डजंट मीन कि ये एकदम 100% नॉर्मल रहता है, बट यदि कोई मेजर फॉल्ट नहीं निकला तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेवती हसमुख भाई, नमस्कार सर, नमस्कार रथवी हसमुख भाई, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। रीता सेवा कुमार मनी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर इज़ गिवन हियर, यू कैन सी, और आप यू कैन टॉक टू मिस्टर देवेन। देन रेखा चौहान, सर क्या फैमिली बैलेंसिंग के लिए जेंडर सिलेक्शन नहीं होता? थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग, आपके जैसे जैसे कमेंट्स आएंगे, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। आपकी तरफ से यदि कोई ऐसा टॉपिक रहे जिसमें आप वीडियो बनाना सुनना चाहते हैं रिलेटेड टू गर्भस्थ शिशु फीटल मेडिसिन का या फिर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन का, तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, आप देवेन जी को बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो एज फार एज पॉसिबल क्लियर रहे आपको समझने में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।